भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों को तेजी से पूरा करने में जुटी है। भदोही जनपद की औराई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए विधानसभा स्तर पर पार्टी अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटी हुई है। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा भदोही जनपद में पहुंचे, जहां उन्होंने औराई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है और इसमें पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर काशी प्रांत में तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और पूरी कैडर ये बूथ से लेकर हमारा जो संविधान है और कैडर उनको सक्रिय करने की गांव में भी बूथ तक जाकर सबको काम में लगाने की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उस काम के पूरे सहयोग में पार्टी भी रहती है। पार्टी ने वैक्सीनेशन में भी अपना योगदान दिया है, पार्टी ने स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाया है, तो बहुत चीज़ों में पार्टी खुद काम कर रही है। एक भी गांव में कोई बाकी ना रह जाए इसके लिए सब सक्रिय हो जाए। जहां अभी भी कुछ गांव में समझाने की आवश्यकता है उसको समझाए, हम कम से कम तीसरी लहर से बचें, देश बचे, उत्तर प्रदेश बचे और उत्तर प्रदेश में जन जन में जागृति हो, ये काम आज के दिन हमारे हिस्से में था और ये हमने किया है। काशी प्रांत में जो बहन जी निकल रही है अनुप्रिया जी, वो काशी प्रांत की ही है, तो जहाँ जहाँ वो जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जा रही है, देश में पहली बार इतने महिला मंत्री हैं केंद्रीय, काशी प्रांत इतना सदनसीब है कि प्रधानमंत्री तो काशी प्रांत से है ही और एक महिला मंत्री भी उसमें सम्मिलित हुई है, इसलिए हर जगह जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम लगा है वो हर जगह काशी प्रांत में सभी कार्यकर्ता और जो जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो सक्रिय हैं।